हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त दिनेश प्रजापति फ्रॉम वीरभूमि मरुभूमि राजस्थान से। इस वक्त मैं हूँ सिरोही माउंट आबू के अंदर। अभी मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ, मंदिर से अभी निकल रहा हूँ मैं नक्की झील की ओर। तो गाइस, बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा है, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, ऊँची ऊँची बिल्डिंग है जो पहाड़ों के ऊपर हैं, और ये रूट है, इस रूट से मैं आ गया हूँ। नीचे उतरा और उसके बाद में सीधा इस रूट पे हूँ, नक्की झील पे, पास में ही पड़ती है, आराम से आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। तो गाइज, मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, मैं भी इसमें और भी खूबसूरत जो भी जगह आएगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। बहुत ही खूबसूरत शानदार जगह है ये, पूरा हिल स्टेशन है एकमात्र राजस्थान का, और गर्मियों के दिनों में यहाँ इंजॉय करने के लिए बाहर से बहुत लोग आते हैं, आउट ऑफ मतलब स्टेट से भी आते हैं। और अभी सर्दियों के मौसम के अंदर भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और यहाँ अभी कुदरती बहुत सारा देखने को मिल रहे हैं। और आज सैटरडे और संडे भी है कल, तो उसके कारण दो दिन का ट्रिप बिना के कुदरती यहाँ ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ मात्र गुजरात 15 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है, पास में अम्बा जी का मंदिर भी पड़ता है, और ये गुजरात पॉइंट है, यानी ये लास्ट बॉर्डर है आबू रोड सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो गाइज, मैंने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा है। सो गाइज, इसी रूट पे ये ओम शांति ये आश्रम बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे अभी अभी राज्यपाल भी आए थे, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम था, ब्रह्म कुमारी आश्रम है। ये देखिए गाइज, यहाँ पे लोग आते मेडिटेशन के लिए आते हैं, और भी कोई। ये देखिए गाइस, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, यूनिवर्सल पैलेस हॉल लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये सब जुड़े हुए से ये ब्रह्म कुमारी आश्रम है, अंदर मेडिटेशन के लिए लोग जाते हैं, यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, ऑल इंडिया से भी आते हैं, बहुत ही बड़ी संस्थान है ये, बहुत खूबसूरत है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, सामने नदी झील है, जस्ट पास में दीदार करवाता हूँ। यहाँ गाइज घोड़ों का भी आनंद ले रहे हैं, यहाँ बहुत सारे कपल्स आते हैं, नई नई शादी करते हैं, वो भी घूमने के लिए आते हैं, एक पिकनिक स्पॉट पॉइंट भी है, बहुत ही खूबसूरत शानदार जगह है। सो गाइज, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉटेज भी है जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सामने ये नक्की झील आ गई है। सो गाइस, बहुत ऑसम व्यूज़ है, ये पूरा शानदार नज़ारा जो नैनीताल की फीलिंग करवाता है, ऐसी के ऐसी रोड हैं। फाइनली गाइस, ये देखिए नक्की लेक, बहुत खूबसूरत, अंदर बोटिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं गाइस, बहुत खूबसूरत, शानदार, ज़बरदस्त। ये देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन पानी है इसके अंदर, शानदार व्यू पॉइंट है गाइस, बहुत खूबसूरत नक्की लेक है, अंदर बोटिंग हो रही है, बहुत बड़ी ताल है ये, बहुत खूबसूरत नज़ारा गाइस। ये देखिए, आप यहाँ पैदल भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आने के लिए आपको पूरा दो दिन टाइम चाहिए, आराम से चीज़ों को जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ बैठने के लिए आराम से कुर्सियाँ लगी हुई है गाइस, आप कुछ पल इंजॉय कर सकते हैं, बहुत बड़ी ताल है ये देखिए गाइस, पूरा पूरा उत्तराखंड नैनीताल ये हिमाचल का दीदार करवाते हैं, ऐसा सुकून मिलता है, फीलिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत है ये राजस्थान का, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन एकमात्र है, बहुत बढ़िया है, पूरा का पूरा ताल है उसके, मतलब पूरी पूरी परिधि चारों ओर रोड निकलती है गाइस, आप आराम से घूम सकते हैं। और आगे एक गार्डन भी आएगा, और मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, और वहाँ पे जहाँ बोटिंग शुरू होती है वहीं से भी मैं आपको पॉइंट बताऊँगा। सो गाइस, लेके चलता हूँ मैं ये हवा महल गाइस, ये देख जयपुर में स्थित है, उसका आर्ट बना हुआ है पूरा, ये देखिए ऊँट भी है,
राजस्थान की शान, ये रेगिस्तान का पूरा चित्रण है यहाँ पे। शानदार। और आजू बाजू में, यहाँ लेक के आजू बाजू में काफ़ी गेस्ट हाउस बने हुए गाइस। आप जितना मतलब आप कैपेबल मतलब हो उसके हिसाब से आप रूम बुक कर सकते हैं आराम से। सो गाइस, सो ब्यूटीफुल अमेजिंग जगह ये देखिए गाइस, ये मोहनलाल सुखाड़िया उद्यान नगर पालिका आबू पर्वत, ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये देखिए गाइस, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव आबू। सो ब्यूटीफुल गाइस, बहुत खूबसूरत ताल, पूरा ग्रीन ग्रीन पानी है, लेने का विधि ये होता सर, बहुत खूबसूरत गाइस। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है गाइस, यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है गाइस। ये देखिए, ये देखिए। सो गाइस, यहाँ आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा सामने एक फवारा छूट रहे दो मशीन से, बीच में पत्थर भी है और ये बोटिंग हो रही है गाइस। ये देखिए, और वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ नेशनल, और ये लिखा हुआ है आई लव एम टी आबू। बहुत खूबसूरत। सो ब्यूटीफुल गाइस, ये रोड पूरा चारों तरफ फैली हुई है और रोड को साइड काफ़ी अच्छा व्यू है। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं जस्ट बीचों बीच है, वहाँ पे जो एक मार्केट भी बना हुआ है गाइस, और एक उद्यान भी है। ये गाइस, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, चंद्रशेखर महादेव मंदिर है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और ये हनीमून पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पे मॉल गेस्ट हाउस बने हुए हैं। गाइस, यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है, नगर पालिका के द्वारा प्लांट लगाए गए हैं इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अलग अलग तरह तरह के खुशबूदार पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार। यहाँ पे बहुत ही सैलानी जो सैलानी होते हैं ना, वो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाते हैं, मैंने देखा हर जगह। तो गाइस, यहाँ से देखिए आपको बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, इस नकी लेक के अंदर नेशनल फ्लैग लगा और दो फवारे छूट रहे हैं बहुत ऊंचाई पे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है गाइस। ये देखिए, बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर नकी लेक है, दो वहाँ पे भी हैं, वाह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। और ये गार्डन आ गया है, वहाँ पे लोग घूम रहे हैं। गाइस, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त। सो गाइस, ये फाइनली ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान नगर पालिका मंडल आबू पर्वत, यानी नगर पालिका देख रेख करती है इसकी। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं पूरे पौधे जो उनकी देन है नगर पालिका की ओर से, और ये आप देख सकते कितना सुंदर है, बीच में लगा हुआ है नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा। सो गाइस, कितना हाइट पे है, बहुत खूबसूरत है। और इंद्रधनुष पे आप देख सकते हैं, आगे से आपको दिखाई दे रहा दूर से, इसमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है पानी के अंदर, जो बौछारें हो रही है फुहारे उसमें, और कुछ इस तरह से है पॉइंट, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत उद्यान है ये, नगर पालिका के द्वारा बसाया गया, और चारों तरफ से नक्की झील को खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत बढ़िया है। ये देखिए,
सो ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ पे लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं, आप देख सकते हैं खेल खेल रहे हैं, शायद ये सब गुजराती बोल रहे हैं, गुजरात से हैं। सो गाइज यहाँ से व्यू पॉइंट कुछ इस तरह से हैं, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर दिख रही है नक्की लेक, ये सब मशीन से चल रहा है वो फुहारे। ये देखिए गाइस इंद्रधनुष दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए। और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये सब यहाँ राजा महाराजा की कोठियाँ बनी हुई थी पहले, जहाँ यहाँ ग्रीष्मकालीन के अंदर यहाँ राजधानी लगती थी इनकी सभी की। और कुछ इस तरह से चारों तरफ से ये पूरा का पूरा रोड ही रोड है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये है अशोक स्तंभ, देखिए जो इसमें चारों तरफ से शेर के चिन्ह हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो गाइज फाइनली मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और बड़ा हो गया है, तो मैं गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंजॉय करें दोस्तों के साथ, जो शेयर ज़रूर करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंजॉय करें। काफ़ी मेहनत से बनाया मैंने, और यहाँ आने के लिए आप कोई भी बस सेवा है, रेल सेवा ले सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का। तो गाइज आगे मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पार्ट में, और भी वीडियो लंबा हो गया, तो मिलता हूँ आपको। टेल देन गुड बाय।